गणित एक ऐसा विषय जिसका नाम सुनकर कई बच्चों के होश उड़ जाते हैं, वहीं कुछ के हाथ पांव भी फूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें मैथ्स का ये जादुई आंकड़ा बेहद पसंद है, वो क्लास में टॉपर भी बन जाते हैं। लेकिन आज हम मैथ्स की इसलिए बात करें क्योंकि आज बात एक ऐसे शख्स की जिसने इंसान को बताया कि जीरो कैसे आदमी को हीरो बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास अय्यंगर रामानुजन की। गणित एक ऐसा विषय है जिसका नाम सुनकर ही बच्चों को बुखार आ जाता है, स्टूडेंट्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, तो किसी को अंकों की यह जादुई दुनिया इतनी भाती है कि वो क्लास का टॉपर बन जाता है। कहते हैं हर चीज में मैथ्स है। आज बात एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को जीरो का महत्व बताया, बताया कि जीरो से ही हीरो बनता है इंसान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास अय्यंगर रामानुजन की। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को चेन्नई में हुआ। पिता श्रीनिवास अय्यंगर कपड़े की फैक्ट्री में क्लर्क थे। रामानुजन ने साल 1903 में क्यूब और बाइक्यूडेटिक इक्वेशन का सूत्र खोजा। साल 1911 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ बार नॉलेज नंबर्स की रिसर्च की। पहला रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स सोसाइटी में छपा। वहीं 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी बनाया गया। महान मैथमेटिशियन रामानुजन को बाकी विषयों में कम रुचि थी, या फिर यूं कहें कि वो मैथ्स छोड़कर कोई और विषय पढ़ते ही नहीं थे। गणित के अलावा अन्य विषयों में दिलचस्पी न होने की वजह से कठिनाई से परीक्षा पास कर पाते थे, लेकिन गणित में उन्हें कोई छू तक नहीं पाता था। दरअसल उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना तक छोड़ दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि कक्षा 11वीं की परीक्षा में वो गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। रामानुजन के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ और इसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका है। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई शोध पत्र प्रकाशित किए और इनके एक विशेष शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें बीए की उपाधि भी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड का रहन सहन महान गणितज्ञ रामानुजन को अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जांच के बाद पता चला कि उन्हें टीबी था। डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत लौटने पर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत खराब होती गई। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और 26 अप्रैल 1920 को महान मैथमेटिशियन रामानुजन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस महान मैथमेटिशियन ने 3000 से ज्यादा थ्योरम दी थी, जिनमें से कई थ्योरम पर तो आज भी रिसर्च किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट रहने के लिए अमर उजाला टीवी का फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। कैमरामैन अनुराग के साथ हिमांशु शुक्ला, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।